पर जो है साल दो ने दोनों ने फेस पैक लगा लिया है और अभी दोनों चमक जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, आज जो है फेस पैक लगाया है और मैंने भी लगाया है और मम्मी को भी लगा दिया मैंने। तो ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तैयार हो गए हैं और उसके साथ जो है यहाँ पर चाय बन रही है। हेलो जी, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया और दो दिन से जो है हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो मौसम में बहुत फ़र्क हो गया और गर्मी से जो है राहत मिल चुकी है। तो अब जो है पंखे से ही गुजारा हो रहा है, नहीं तो कूलर भी चलाना पड़ रहा था, एसी भी चलाने पड़ रहे थे, लेकिन एसी तो अभी हमने लगवा नहीं रखा है, हम कूलर ही चलाते हैं। लेकिन कूलर से ही काफ़ी ठंडा हो जाता है क्योंकि जो ये वाला घर है हमारा नीचे वाला, ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ नीचे फर्श पे भी पत्थर लगा हुआ है और दीवारों पे भी टाइल लगी हुई है और इसके ऊपर दो तीन फ्लोर बने हुए हैं, तो धूप का तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसलिए ये जो है ठंडा रहता है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 10:30 बजे और ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत मेरा रह गया है। और अभी जो है मैं नाश्ता बनाऊंगी और नाश्ते में मैं बनाऊंगी आज ब्रेड पकौड़े। और बच्चे जो है थोड़ा छुट्टी है तो बच्चे थोड़ा देर से ही उठ रहे हैं तो इस वजह से नाश्ता वगैरह जो है मैं तो सुबह कर लेती हूँ, एक आध रस जो होता है मैं सुबह खा लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है उठते के साथ थोड़ी देर बाद ही भूख लगने लगती है, लेकिन उनको जो है भूख नहीं लगती है, वो ऑफिस में जाके ही नाश्ता वगैरह करते हैं तो मैं सुबह में एक रस खा लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों अपना व्लॉग आज स्टार्ट करते हैं। और आज मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगी आपको जैसे ब्यूटी टिप्स वगैरह होती है, तो मैं अपनी वीडियो में जो है अपने व्लॉग में जो है मैं वो सब चीज़ें दिखाती हूँ जो चीज़ें मैं करती हूँ या जो चीज़ें मुझे आती हैं, तो वही सब चीज़ें जो है मैं अपने व्लॉग में आप सभी लोग से भी वीडियो में शेयर करती हूँ वो चीज़ें। तो जैसे कि मैं सिलाई का काम करती हूँ तो मैं सिलाई की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी और कोई काम होता है जैसे कि मैंने वो बनाया है आर्ट क्राफ्ट जिसे कहते हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके का भी बनाया है तो मैंने ये वाली वीडियो भी आपसे शेयर की। और बाकी और चीज़ें जैसे कुकिंग वगैरह होती हैं जो खाना मैं बनाती हूँ, जैसे वेज बनाती हूँ तो वो वाली वीडियो भी शेयर करती हूँ, नॉन वेज बनाती हूँ तो वो वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आपके साथ जो थोड़ी बहुत मेरे को मेकअप टिप्स पता है जो मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ और अभी से ही नहीं करती हूँ, मैं पहले से ही करती हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपको भी बताऊँगी कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं और बाहर की चीज़ें जैसे क्रीम वगैरह होती हैं वो तो एक बारी को एलर्जी भी हो जाती है कई बारी और कई बार सूट भी नहीं करती हैं, तो घरेलू नुस्खे ऐसे होते हैं कि अगर उनको लगाते हैं तो उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आज जो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी तो आपको वीडियो में ब्यूटी टिप्स ही बताने वाली हूँ, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा बाद में कमेंट करके, पहले वीडियो को देख लीजिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे जो है 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और हमें आगे बढ़ने में जो है मदद कीजिए। तो देखिए ये जो है हमारा व्लॉग फैमिली व्लॉग है, इसमें मैं अपना डेली रूटीन भी दिखाती हूँ, बाकी हर चीज़ दिखाती हूँ मैं, जैसे ब्यूटी टिप्स हो गई और जैसे कुछ भी घरेलू सामान बनाने हो गया, खाना हो गया, कुछ भी हो गया, सिलाई कढ़ाई सब चीज़ मैं अपनी वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ जो चीज़ मेरे को आती है क्यों ना मैं उसको मैं YouTube पे अपनी वीडियो के जरिए दिखाऊं, तो जो जिन लोगों को जो चीज़ नहीं आती है वो थोड़ा बहुत अगर मेरी वीडियो से कुछ सीख सके तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है आपको अपनी वीडियो में टिप्स दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े तैयार हो गए हैं और उसके साथ जो है यहाँ पर चाय बन रही है और अब जो है फटाफट से नाश्ता करते हैं और बाकी का बचा हुआ काम करते हैं, फिर आपको जो है मम्मी से भी मिलवाते हैं और आपको जो है आज ब्यूटी टिप्स देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है नाश्ता कर लेते हैं और आ जाइए दोस्तों आप भी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ ब्रेड पकौड़े का, और ब्रेड पकौड़े तो ऐसी चीज़ है कोई भी इसके लिए मना कर ही नहीं सकता है, तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताऊँगी जिससे चेहरे पर इतना ग्लो आएगा और चेहरे पे चमक आएगी और जो दाग धब्बे हैं वो भी कम होते चले जाएंगे
और जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ वही चीज़ मैं अपनी वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आगे मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो चलिए, और ये फेस पैक जो है इसको महिला पुरुष दोनों ही लगा सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं वो भी बाहर जाते हैं, काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, तो उनकी स्किन भी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन जो होता है डार्क हो जाता है। तो ये वाला फेस पैक लगाने से जो है धीरे धीरे जो रंगत है वो साफ़ होती चली जाएगी और रंग एकदम निखरता चला जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको एक फेस पैक बताती हूँ। तो घरेलू ही चीज़ें हैं वो, जितनी भी चीज़ें हैं और हमारी किचन में आसानी से मिल जाती हैं वो चीज़ें। तो चलिए उन चीज़ों को दिखाती हूँ क्या क्या है, और उसका ये बनाते हैं एक फेस पैक और लगाते हैं और उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, और बेसन तो हमारी किचन में जो है आसानी से ही मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें वही हैं जो हमारी किचन में उपलब्ध रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 चम्मच के करीब बेसन ले लिया है, और इसके अंदर जो है मैं मिला लूँगी 2 चम्मच दही। और ये फेस पैक जो है दही से ही बनाना है, तो मैंने दही ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ले लिया है मैंने 1/2 चम्मच के करीब जो है यहाँ पर मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर, और 1/2 ले लेंगे इसमें नींबू, नींबू का रस मिलाएंगे। नींबू जो होता है हमारी स्किन की रंगत को जो होता है बहुत ही ब्राइट करता है, और दाग धब्बे जो है वो भी धीरे धीरे कम करता है। तो नींबू जो है इसमें मैंने डाल दिया, और 1/2 नींबू डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो चलिए अब जो है इसका एक पेस्ट बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। और अगर इसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी लगाएंगे तो हमारा जो चेहरे का कॉम्प्लेक्शन है वो एकदम डार्क से लाइट होता चला जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा फेस पैक है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं और आपको भी इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो इसको जो है मैंने अच्छे तरीके से जो है मैंने घोल लिया है। तो फेस पैक लगाने से पहले जो है मैंने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद ही जो है मैं फ़ेस पैक लगा रही हूँ। और अगर कभी भी चेहरे पे कुछ भी लगाएं तो सबसे पहले जो है फ़ेस को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, तभी उसके बाद कुछ भी फेस पे लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है सारे फेस पे जो है फ़ेस पैक लगाना शुरू कर दिया है, और ये फेस पैक जो है काफ़ी अच्छा है और एकदम क्रीमी क्रीमी सा है ये। और हाँ दोस्तों, कभी भी साबुन का इस्तेमाल फेस पे नहीं करना चाहिए, उससे जो होता है कि हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और कभी भी कुछ भी फेस पे लगाओ तो उसको जो है गर्दन पे भी लगाना चाहिए। तो मैंने जो है अपनी गर्दन पे भी ये फेस पैक लगा लिया है सारे में, और अगर कभी हम ब्लीच भी करते हैं तो उसको भी हमें जो है गर्दन पे भी ज़रूर लगाना चाहिए। और यहाँ पर जो है फिर मैंने धीरे धीरे करके जो है मसाज करनी शुरू कर दी है ये फेस पैक लगा के, क्योंकि इसके अंदर दही भी है तो इसलिए ज़्यादा क्रीमी क्रीमी सा हो गया है और ये अंदर तक चला जाएगा। और मैं इसी तरीके से लगाती हूँ और मुझे इसका असर जो है काफ़ी अच्छा दिखता है फिर। और ये थोड़ी थोड़ी सी मैंने मसाज कर ली है, और आँखों के नीचे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया है, क्योंकि आँखों के नीचे भी थोड़े काले घेरे होते हैं तो वो भी इससे सही हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा फेस पैक और लगा लिया है और इसके ऊपर एक कोट और लगा दिया, और अब इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो है फेस पैक मेरा सूख चुका था, तो इसको जो है मैंने हल्के हल्के हाथों से जो है इसको हटाना शुरू कर दिया है। और इसको पहले ऐसे ही करके हल्के हल्के हाथों से हटाना है, जब भी फेस पे एकदम ग्लो दिखता है। और अगर मैं सीधा ही ऐसे ही पानी से धो देती तो मुझे उतना असर नहीं दिखता है इसका, इसलिए इसको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से छुटाना चाहिए। उसके बाद सिर्फ
पानी से ही इसको धोना है, कोई फेस वॉश वगैरह नहीं लगाना, और सादे पानी से जो है मैंने इसको धो लिया है। और खुद ही देखिए आप मेरे फेस पे कितनी चमक लग रही है आपको या नहीं लग रही है, ये आपको खुद ही दिख रहा होगा। तो एक बारी में इसका इतना असर है, अगर इसको बार 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 हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी असर होता है इसका। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है मम्मी के भी फेस पैक लगा दिया है, और मम्मी को कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है ना। हाँ, तो मम्मी भी एक फेस पैक बता रही है जो मम्मी अपने टाइम पर लगाया करती थी। मैं सरों से ऐसी करती थी, मलका की दाल पीसी, इसको छाना, बिल्कुल बारीक पाउडर बनता था उसका, बिल्कुल बारीक। अच्छा। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी या कच्चा दूध डाल दो, नहीं दही डाल दो। अच्छा, मलके की दाल, लाल दाल से भिगोते हैं पहले? नहीं नहीं, वैसे सूखी पीसो, सूखी को पीस लो, बड़ा लुक आता चेहरे। अच्छा जी, मलके की दाल को पीस के उसके अंदर या तो कच्चा दूध मिला लो, हाँ नहीं दही, दही मिला लो थोड़ी सी। अच्छा, तब उसका फिर उससे ग्लोइंग फेस हो जाता है ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, एक फेस पैक और है जो मम्मी बता रही है, तो ये भी आप करके देख सकते हो। लेकिन मैंने भी अभी तक नहीं करा है, मैं भी करके देखूंगी ये वाला। मलका के दाल से पीस के उसको पाउडर बना के। अच्छा, मैं सोची थी कि भिगो के पीसते होंगे। नहीं नहीं, कच्ची को ही पीसते हैं। अच्छा, फेस पैक बन जाता उसका। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जो पुराने नुस्खे होते हैं वो भी काफ़ी कारगर होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। पहले के ज़माने में जो होता है, कोई फेस वॉश नहीं होता था, कुछ वो क्रीम वगैरह नहीं होती थी, ये सब चीज़ें होती थी। छिलके सुखाए, हाँ, उन्हें सिल पर पीसते थे, उल्टी तरफ सिल करके, हाँ, उसका एकदम पाउडर बन जाता था। अच्छा, उसको ऐसे बनाते थे हल्दी में कच्चे दूध। अच्छा, वो भी फेस पैक बन जाता था। तो देखिए अभी मम्मी ने बैठे बैठे दो फेस पैक बता दिए आपको, एक संतरे का और एक मलके की दाल का, लाल मलका, लाल दाल होती है, हाँ। उसका पाउडर बना, एक उसके जब ये बना के लगा रखा ना, हाँ, उसको चेहरे पर लगा, बहुत निखार आता, हाँ। और जिनका साफ सुथरा रंग है तो और भी निखार आएगा, और जिनका थोड़ा सांवला है तो उनका साफ हो जाएगा, हाँ, और जैसे जो लोग बाहर काम करते हैं धूल मिट्टी में, उनका चमक जाएगा, साफ हो जाएगा, रंग निखर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने जो है आपको फेस पैक बना के दिखाया है, और मेरी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और फेस पैक का कैसा असर आया है तो ये भी बताइएगा। और आज जो है सास बहू दोनों ने फेस पैक लगाया है, तो मैं तो ये लगाती हूँ ही, लेकिन मम्मी को जो है मैंने आज पहली बार लगाया है, तो अभी मम्मी के पास भी लेकर चलूँगी और मम्मी से भी पूछते हैं कि मम्मी को जो है कैसा लगा। और ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी किचन में ही उपलब्ध होती हैं, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है कि कौन सी चीज़ क्या है, किस में क्या मिला के लगाना है, तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो हल्दी जो होती है वो भी हमारा रंग निखारती है, नींबू जो होता है वो भी हमारा रंग निखारता है, और बेसन से जो होता है चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा होता है बेसन। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई है, मेरी बिटिया रानी ने कल जो है बहुत सारी चोटियाँ बना ली थी अपनी, सारे बालों की छोटी 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 चोटियाँ बना ली थी, और कह रही थी मम्मी एक दिन बाद खोलूंगी जब ये कर्ली हो जाएंगे, तो काफ़ी देर से मैं भी, हाँ, तो देखिए कैसे हो गए इसके बाद, और काफ़ी देर से जो है मैं भी इसकी मदद कर रही हूँ खोलने में, और जो इतनी छोटी छोटी रबड़े लगाई थी इसने वो भी इसके बालों में जो है फंस चुकी थी, तो काफ़ी देर से इसको खोलने में लग रही थी मैं। और अभी जो है लाइट भी चली गई थी और लाइट अब आई है, तो जो ये चीज़ें होती हैं ये हमारी किचन में आसानी से मिल जाती हैं, तो हम स्क्रब भी घर में ही बना सकते हैं और फेस पैक भी हम घर में ही बना सकते हैं, और पार्लर में जाने के बजाय जो होता है अगर हम रोज़ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने फेस पे करते रहें तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि पार्लर में जाएं। और मैंने आज तक जो है फेशियल नहीं करवाया, मैंने बस अपनी शादी में ही जो है फेशियल करवाया था, और उसके बाद जो है मैंने अभी तक एक बार भी फेशियल नहीं कराया। जो कुछ भी यूज़ करती हूँ मैं घर की चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप बताइएगा, मैं और भी चीज़ें लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि घर में और चीज़ों से कैसे फेशियल भी किया जा सकता है, कैसे स्क्रब भी किया जा सकता है। तो चलिए अब मम्मी के पास भी लेकर चलती हूँ आपको, और मम्मी से भी पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लगा फेस पे लगा के फेस पैक। आ गई हूँ मैं मम्मी के कमरे में, तो चलिए मम्मी का भी फेस आपको दिखाते हैं और मम्मी से भी पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लग रहा है, कैसा लगा फेस पैक लगा के, कैसा लग रहा है? वो तो देखने वाला बताएगा ना भाई। नहीं लग रहा, तो मेरे को तो साफ लग रहा है, बस वैसे स्किन कैसी लग रही है, सॉफ्ट लग रही है? स्किन तो हमारी लटक गई। नहीं नहीं, हाँ नरम लग रही है। तो
नरम लग रही है ना, सॉफ्ट लग रही है नरम। अभी तो आज तो पहली बार ही लगाया है, जैसे कई बार लगाओ तो उसके बाद ही असर करता है। पहली बार में तो चीज का इतना पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी साफ हो गया है ना। तो देखिए ये रहा मम्मी का चेहरा, गौर से दिखाती हूँ, काफी साफ हो गया है मम्मी। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो जो है यहीं पर कर देते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में। तो शहरी शहरी के बाल देखिए अभी तक कैसे हो रखे हैं, और अब मैं इसके बालों को सही करती हूँ। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में।